विश्व कप क्रिकेट मैच में इंग्लैंड के हाथों भारत की 31 रनों की हार को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जी हां, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हार के लिए भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी का रंग बदलने को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर रविवार को खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से करारी शिकस्त दी। साल 1992 के बाद विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड के हाथों भारत की पहली हार थी। रविवार को हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम की ब्लू के स्थान पर केसरिया यानी कि भगवा रंग की जर्सी थी। इंग्लैंड के लिए विश्व कप में सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था। पाकिस्तान की इस मैच में विशेष रूप से निगाहें थीं क्योंकि इंग्लैंड के हार जाने पर सेमीफाइनल के लिए उनकी उम्मीदें बढ़ जाती। विश्व कप क्रिकेट 2019 में भारत के हाथों पाकिस्तान पराजित भी हो चुका है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने भारत के हार जाने पर ट्वीट कर लिखा, मुझे अंधविश्वासी कहें किंतु मैं ये कहूंगी कि विश्व कप क्रिकेट 2019 में भारतीय टीम की जर्सी ने उसकी जीत का सिलसिला खत्म कर दिया। भगवा जर्सी ने भारत के विश्व कप क्रिकेट में विजय अभियान को थाम दिया। इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला शुरू होने से पहले महबूबा मुफ्ती ने तब भी कहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रशंसक भारत को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में विजय होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चलो कम से कम क्रिकेट के बहाने ही सही दोनों देश एक साथ तो दिखे। विश्व कप क्रिकेट 2019 के अब तक के सफर में भारत 7 मैच जीतकर 11 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और उसे अभी बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ एक एक मैच भी खेलना है। अब महबूबा मुफ्ती को ये जरूर समझना होगा कि भारतीय टीम भगवे रंग की जर्सी की वजह से नहीं हारी। ये दरअसल आईसीसी के नियमों के मुताबिक एक अल्टरनेट जर्सी का नियम है जो शायद महबूबा मुफ्ती नहीं जानती होंगी। बिना जाने एक बेतुका बयान देना ये शायद महबूबा मुफ्ती ने पहली बार नहीं किया है, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया है कि वो कभी भी सही तरीके के बयान नहीं दे सकती। जाहिर तौर पर भारतीय टीम हरे रंग की जर्सी में तो नहीं खेलती। एनपी न्यूज रूम से अभिलाष की रिपोर्ट।